दोस्तों किसी देश में भारत या डैम लाइफ सेवियर का काम करते हैं। डैम का सबसे बड़ा रोल है वाटर स्टोरेज का, और ये कहा जा सकता है कि अगर दुनिया में ये डैम नहीं होते तो कई सारे शहर पानी की किल्लत से ही मर जाते। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 5 डैम्स के बारे में, जो भारत के डैम्स के सामने ये डैम कई गुना अधिक बड़े हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो जिनमें भारत के डैम्स के बारे में बताया गया है, तो आई बटन में क्लिक करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। तो नंबर 5 पर स्थित है गुरी डैम वेनेजुएला। वेनेजुएला में बना यह गुरी बांध दुनिया के सबसे बड़े बांध के रूप में 135 बिलियन क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला और 4000 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह गुरी डैम प्रसिद्ध है। कंक्रीट से बना इस डैम का निर्माण 1963 से शुरू हुआ और 1969 में पूरा हुआ। इस गुरी डैम की लंबाई 7400 मीटर और ऊंचाई 162 मीटर है। यहाँ पे सिर्फ एक ही नदी कारोनी नदी है, और उस नदी में पानी तभी भर आता है जब उस जगह पर बारिश हो और यहाँ पर पानी की कमी रहती है। आप ये जो विशाल नदी देख रहे हैं, इसी नदी के कारण गुरी डैम से 10,200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है। माना जाता है कि वेनेजुएला देश को 16,000 मेगावाट तक की बिजली की आवश्यकता पड़ती है, और इस देश के लिए बिजली की 70% जरूरत को ये डैम ही पूरा करता है। इसका संचालन CBG इलेक्ट्रोफिकेशन डेल करोनी द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह बांध इतना बड़ा है कि इस बांध के लिए करीब 15,000 कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। दोस्तों हमारे नंबर 4 पर स्थित है डेनियल जॉनसन डैम कनाडा। डेनियल जॉनसन डैम, जिसे मैनिक 5 डैम के नाम से भी जाना जाता है, इस डैम का निर्माण मैनिकन नदी पर किया गया, जिसकी वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी 140 बिलियन क्यूबिक मीटर। यह डैम 1310 मीटर लंबा और 214 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण 2.2 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट से किया गया और निर्माण हुआ 1968 में। डेनियल डैम के दो पावर स्टेशनों में 12 यूनिट की मदद से करीब 2660 मेगावाट तक के ऊर्जा निर्माण करने की क्षमता है, और इस बांध की बनावट बाकी बांधों से काफी अलग है, और यह बांध आज कनाडा में बिजली उत्पादन करने का मुख्य हिस्सा बन चुका है। दोस्तों हमारे नंबर 3 पर स्थित है अकोसंबो डैम घाना। घाना में स्थित अकोसंबो डैम पानी के भंडारण करने की क्षमता के आधार पर दुनिया का तीसरा बड़ा डैम है। वोल्टा नदी पर बना अकोसंबो डैम जल संग्रहण हेतु 8500 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली वोल्टा झील का निर्माण करता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जलाशय है। इस झील में 144 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रहण किया जा सकता है। इस डैम का निर्माण 1961 से 1965 के मध्य हुआ। इस डैम की देखरेख की जिम्मेदारी वोल्टा रिवर ओथरिंग के पास है। डैम का पावर प्लांट 6 टर्बो जनरेटर इकाइयों की मदद से संचालित होता है, और इस डैम से करीब 1000 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन होता है। दोस्तों हमारा नंबर 2 पर स्थित है ब्रेटस्क डैम रूस। रूस के साइबेरिया में स्थित ब्रेटस्क बांध दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इतना ही नहीं, इस बांध को इस तरह बनाया गया है कि इसके ऊपर आज भी 2 लेन का हाईवे भी है, और इस पर हर समय गाड़ियां चलती रहती हैं। यह बांध 169 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रहण करने की क्षमता रखता है। यह डैम अंगारा नदी को घेरे हुए वर्तमान में कंक्रीट से बना यह डैम का निर्माण 1954 से 1964 के मध्य किया गया। ब्रिटिश डैम 125 मीटर ऊंचा और 4417 मीटर लंबा है। दोस्तों हमारे नंबर 1 पर स्थित है करीबा डैम जिम्बाब्वे। दोस्तों अगर पानी को भंडारण करने की क्षमता यानी वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी के आधार पर देखा जाए तो जिम्बाब्वे का करीबा डैम इस लिस्ट में सबसे टॉप में आएगा। 1950 में निर्मित जिम्बाब्वे का करीबा बांध बेहद चर्चित है, और यह आकार में बाकी बांधों से काफी बड़ा है, और यह सिर्फ इसलिए ही मशहूर नहीं है बल्कि इसका पानी रोकने की क्षमता और बांधों से काफी ज्यादा है। करीबा डैम में एक झील भी जुड़ी है, जिसकी सतह का क्षेत्रफल 5580 स्क्वायर किलोमीटर है, और यह 185 बिलियन क्यूबिक मीटर तक का पानी का भंडारण करती है। ये झील करीब 280 किलोमीटर तक के लंबे क्षेत्र में फैली है। करीबा डैम की ऊंचाई 128 मीटर और लंबाई 1580 मीटर है, और इस डैम का बनाने में 1.036 बिलियन क्यूबिक कंक्रीट इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा करीबा डैम पर 2 पावर स्टेशन भी है। यह डैम 1626 मेगावाट बिजली बनाने वाला यह बांध जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है।
तो दोस्तों आपको हमारे यहाँ वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और नया इंटरेस्टिंग